वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देखें टकी प्रवीण। आप सभी का स्वागत है मेरे जे मीटर की सीरीज में। और एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड अ यूआई टेस्ट। एक यूआई टेस्ट को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि रिकॉर्ड करना क्यों है, राइट? अगर आपको ये जानना है एग्जैक्टली कि मतलब कोई भी चीज़ आप करते हैं तो इम्पॉर्टेंट किसी चीज़ को करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्यों करना है, राइट? कैसे करना है वो अलग चीज़ है, बट क्यों करना है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे करना है वो आपको फाइंड करना होता है। सो हमें करना क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी आपको अभी तक एग्जांपल दिए हैं, एक पेज पे रिस्पांस कोड चेक कराया, एक पेज पे मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, लोड टेस्टिंग की, तो एग्जैक्टली वहाँ पर मैंने सिंगल एक वेब पेज लिया था, पूरा एक वेबसाइट नहीं लिया था और आपका पूरा एक वेब एप्लीकेशन नहीं लिया था। लेकिन अगर आप लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप करते हो तो एग्जैक्टली आप उस पर पूरी वेबसाइट पर आप करोगे, पूरे एक एप्लीकेशन पे करोगे। एक ऐप के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारे लिंक्स होंगे, उन सभी पे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे, राइट? सो उसको करने के लिए ही हमें पेजेस को रिकॉर्ड करना होता है। हमें एक बार सारे पेजेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद JMeter में आके उसके ऊपर हमें लोड टेस्टिंग हम करेंगे, राइट? तो सबसे हमें पता चल गया कि हमें करना क्यों है, हमें क्यों करना है, क्योंकि हम मल्टीपल पेजेस पे लोड टेस्टिंग करेंगे, राइट? परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम मल्टीपल पेजेस पे करेंगे, इसलिए हमें एक यूआई को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, क्रोम का एक एक्सटेंशन है आपका BlazeMeter के नाम से, राइट? आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन पे जाएंगे और वहाँ पे आप सर्च करेंगे BlazeMeter, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इसे, राइट? आपको एक्सटेंशन पे इजीली मिल जाएगा। अगर आपको एक्सटेंशन से नहीं मिल रहा है तो आप BlazeMeter से, आप यहाँ पे सर्च कीजिए BlazeMeter क्रोम एक्सटेंशन, आपको इजीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं। जब आप उसे अटैच कर लेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आइकन आपको दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसे आप लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको JMeter के लिए आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नाम दे दीजिए, तो मैं नाम दे रहा हूँ डेमो रिकॉर्ड एपीआई, ठीक है? मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जिस भी वेबसाइट पे आपको जाना है उस वेबसाइट पे आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए, जिस लिंक को आपको क्लिक करना है, आप जैसे जैसे आप पेजेस पे जाएंगे, राइट, आपको जितने भी लिंक्स क्लिक करने, आप लिंक क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है वो, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाइए, आगे जाएं, पीछे जाएं, जिस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपको पेजेस विजिट करने हैं, विजिट करते रहिए, यहाँ पर आपका देखिए वो रिकॉर्ड करता रहेगा। जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना है इसको स्टॉप, ये है पॉज और ये स्टॉप, तो आपको स्टॉप करना है। आप देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसको सेव कर लिया, राइट? रिकॉर्ड डेमो API को उसने सेव कर लिया। अब आप उसको करेंगे डाउनलोड द रिकॉर्डिंग, राइट? सो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है। JMeter का एक्सटेंशन होता है JMX, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है JMS फॉर्मेट में, सिलेनियम पे भी हम कर सकते हैं और JMeter सिलेनियम कम्बाइंड पे भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ देख रहे हैं JMeter, तो हम JMeter पे क्लिक करेंगे और देखिए किस नाम से आ रहा है ये, ठीक है? अब आपको सिंपल करना है सेव, कुछ सेकंड में ये आपको डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके दे देगा। और ये देखिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड डेमो रिकॉर्डिंग JMS हो चुकी है, राइट? अब यहाँ पर आपको JMeter पे आना है, एक न्यू टेस्ट प्लान लेना है, राइट? उसके बाद आकर यहाँ पर आप सिंपल इसे करेंगे ओपन, और मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा अपने, और डेमो रिकॉर्डिंग demo recording api.jms को मैं करूँगा ओपन। जैसे ओपन करूँगा देखिए क्या आ गया मेरे सामने, सारी चीज़ें यहाँ पर, इसके सारे ऑप्शन इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ले लिए हैं। आप देखें सिर्फ हेड मैनेजर में, वेरिएबल्स में, सब कुछ इसने ऑलरेडी यहाँ पर प्री डिफाइन करके दे दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मैं देखूँ तो नीचे आऊँ तो मुझे थ्रेड ग्रुप जो है इसके अंदर उसने जितने भी पेजेस मैंने विजिट किए थे उन सभी की इंफॉर्मेशन उसने ये थ्रेड यहाँ पर टेस्ट में दे दी है, राइट? आप चाहें तो नाम यहां से चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड
API डेमो, राइट। तो यहाँ से आप इसका नाम इजिली चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। HTTPS है, उसका बेस URL ये है, पोस्ट मेथड है, परचेज और PHP है, उसके पेज का लिंक एग्जैक्टली इस तरीके से रिजर्व है, कॉम इंडेक्स PHP है, ये सब चीज़ें इसका पाथ यहाँ पे ऑलरेडी वो ले लेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको सारे ही पेजेस आप अपने JMeter पे उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, या पूरी एप्लीकेशन के जिस लिंक पे आपको लोड टेस्टिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है उस पे आप कर लें, आप उसे रिकॉर्ड करके एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप इसके यहाँ पे टेस्ट प्लान पे आएंगे और उसके बाद आपको सेम लिसनर कर लेता हूँ मैं, व्यू रिजल्ट ट्री, रिजल्ट्स को देखने के लिए, समरी रिपोर्ट देखने के लिए, और मैं यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ assertion, जो कि है रिस्पॉन्स assertion, राइट। बाकी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया था कैसे करते हैं, तो मैं सिंपल आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स कोड ऐड कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ 200 और अब मैं इसे करूँगा रन। तो यह देखिए ये रन कर रहा है, कुछ सेकेंड में रन कर लेगा। तो अभी क्या होना चाहिए, 200 रिस्पॉन्स मैं दिया है तो एसर्शन के हिसाब से ये पास होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा टाइम ले लिया, बीस सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया है मेरे ख्याल से। नेट हो सकता है मेरे नेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी कमज़ोर हो, राइट। कंप्लीट हो गया। सो देखते हैं रिपोर्ट, तो ये है इसकी समरी रिपोर्ट। और देखिए सारी टेस्ट केसेस क्या है, पास हो गए, ग्रीन है, राइट, सब ग्रीन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको इजली इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड करके API को। वैसे इसके अंदर भी आपको HTTP रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट है क्रोम से आप कीजिए, क्योंकि क्रोम आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। आप किसी भी चीज़ पे आप क्रोम डाउनलोड करें और वहाँ से आप JMeter डेमो JMeter का आप यूज़ कर सकते हैं, BlazeMeter आप इसको डाउनलोड कीजिए एक्सटेंशन के रूप में और कीजिए, काफ़ी आसान है और लाइट वेट है और करना ही बहुत इजी है इसको, राइट। अब यहाँ पर एक बार एसर्शन में मैं कोड डिफरेंट डाल देता हूँ और फिर देखते हैं कि केसेस मेरे फेल होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ 400, सब कुछ मैं रिस्पॉन्स क्लियर कर रहा हूँ, सब क्लियर हो गया मेरा। अब मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ, तो रन कर रहा है ये। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्स कोड देखिएगा और आप किसी भी एक वेब एप्लीकेशन को पकड़ लें। देखिए 20 सेकंड्स में ये हो गया, तो इस बार क्या होना चाहिए, ये टेस्ट केसेस फेल होने चाहिए जो कि फेल हो गए, राइट। तो इस तरह देखिए रिस्पॉन्स कोड क्या है, एक्सपेक्टेड 400 है और मुझे मिला क्या है 200, रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए और मुझे एक्सपेक्टेड क्या है 400। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में और आपके लिए एक नया वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।